हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। यूआर व्लॉग में सभी दोस्तों का स्वागत करते हैं। हमारी ओर से आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने जिंदगी में दोस्तों खुश होंगे। तो देखिए सुबह सुबह में उर्मिला क्या बना रही है। देखिए गांव की रोटी बना रही है सुबह सुबह। हमारे यहाँ पे घर गांव की रोटी, गेहूं की रोटी बना रही हूँ। और वो मुझे क्या है ना, कभी कभी ज्यादा खाने का मन करता है, इसके लिए मैं बना लेती हूँ। वैसे तो हमारे घर पे चावल की ज्यादातर रोटी बनती है, इसके लिए आज मैं सोची चावल और दाल चावल बना दी, फिर भी मेरा मन कर रहा था तो मैं थोड़ा गेहूं की रोटी बना लेती हूँ। और इतनी सारी बना लिए हैं देखिए। हेलो दोस्तों, हमारा फाइनली घर का काम हो गया है तो हम अभी जाने वाले हैं दोस्तों मंदिर में। आज सोमवार है दोस्तों, तो महादेव की पूजा करने के लिए जाने वाले हैं दोस्तों। और अभी चल रहा है श्रावण मास, तो अभी वो भी उर्मिला है ना, वो बिली पत्र अभी तोड़ रही है तो मैं दिखा रहा हूँ दोस्तों। तो देखिए इधर में ये पत्ते हैं ना, बहुत ज़्यादा बड़े नहीं हुए हैं, बिल्ली पत्रा ही है लेकिन छोटे छोटे हैं, कोई कोई बहुत बड़े हैं, अच्छे भी हैं, देखिए बहुत अच्छे हैं ये। तो मैं देख देख के तोड़ रही हूँ और जाना है अब। आज राकेश जी बोल रहा है कि चलो आज हम लोग कहीं घूम के आते हैं, और वही मैं सोची थोड़ा मंदिर मंदिर में जाएंगे तो अच्छा रहेगा। अब कितना टाइम हो गया है, मंदिर भी नहीं गए हैं। तो दोस्तों इतने सारे पत्ते तोड़ दिए हैं तो हो गए ना, हो गए देखिए। तो हम लोग अभी जा रहे हैं मंदिर की ओर, तो वहाँ का लोकेशन बहुत बढ़िया है। हाँ। तो आप लोगों को मैं पूरा व्लॉग दिखाऊंगा। हाँ। और आज हम लोग हमारे गांव के बगल में ही है बरुवाल सतगुरु धाम दोस्तों। तो ये देखिए दोस्तों, ये मंदिर है। तो हम लोगों को ये नदी ही पार करके जाना पड़ता है, और हमारा गांव ये है और ये बरुमाल है। तो दोस्तों हम लोग नदी पार करके जाते हैं दर्शन करने के लिए। दोस्तों हम लोग फाइनली नदी के पास आ गए हैं, तो हम लोगों ने चप्पल हाथ में ले लिया है उर्मिला ने, ये देखिए फूल और चप्पल हाथ में ले रही है। तो हम लोग अभी आराम आराम से चलते हैं, नहीं तो पैर फिसल जाएगा तो नदी में गिर जाएंगे। और मेरे को तो तैरना आता है लेकिन हमारे उर्मिला को नहीं आता है, इसके लिए वो आराम आराम से चलना है, इसके लिए संभाल संभाल के जाना पड़ेगा। देखिए उर्मिला कितनी डर रही है। हेलो दोस्तों, देखिए हम लोग नदी पार करके आ गए हैं लेकिन बारिश आ रहे थे, इधर में छुप रहे हैं, इधर में आइए। हेलो दोस्तों, हम लोग फाइनली आ गए हैं बरुमाल में दोस्तों, और इधर में कितनी दुकान सारी है लग गई है आप लोग देखिए। और खिलौनों की दुकान देखिए, इधर में बच्चे लोग साथ में आएंगे बोलेंगे मुझे ये चाहिए वो चाहिए, अच्छा है कि मेरे बच्चे बड़े हो गए। देखिए बहुत सारी दुकान लगी है और खिलौना की प्रसाद की दोस्तों, और इधर में सब्जी भी है दोस्तों, देखिए बहुत सारी सब्जी भी है और इधर में प्रसाद भी है दोस्तों, और बहुत सारी दुकान भी है। तो आप लोग देखिए जरूर दोस्तों। तो देखिए दोस्तों इधर में फूल भी बेचते हैं, और नारियल है और अगरबत्ती है, लेकिन हम लोग तो लेके ही आए हैं घर से ही दोस्तों, तो हम यहाँ से नहीं लेंगे। तो हम लोग अभी जा रहे हैं दर्शन के लिए दोस्तों। तो दोस्तों आप लोग देखिए वही मंदिर का गेट है, तो आप लोग भी आइए। और ज़्यादा भीड़ है, आज सोमवार का दिन है, इसके लिए पूजा करने के लिए लोग बहुत आते हैं। और यही गेट है दोस्तों, और देखिए दोनों गेट के बाजू में हाथी भी बनाया गया है, दोनों तरफ है, तो मस्त है आप लोग देखिए। और श्रद्धालु भी बहुत आते हैं, आते जाते रहते हैं दर्शन करके। तो दोस्तों देखिए ये अंदर का नज़ारा है, बहुत अच्छा है, आप लोग देखिए इतना मस्त बनाया है, बहुत बढ़िया लोकेशन है। तो आप लोग भी ज़रूर आइए दोस्तों देखने के लिए, बहुत बड़ा मंदिर है महादेव का सतगुरु धाम। और देखिए ये मंदिर में जाने के लिए गेट है, और वो दूसरा वाला गेट है, हम जो अंदर एंट्री के लिए गेट, और ये मंदिर में जाने के लिए गेट है। दोनों तरफ हाथी बनाया गया है, हाथी के सूंड में मस्त माला भी है, तो बहुत क्यूट लग रहा है। और उर्मिला इधर में खड़ी है, और बस
मस्त लोकेशन लग रहा है, आप लोग देखिए जरूर। और आप लोगों को मैं पूरा व्लॉग दिखाऊंगा, लेकिन अंदर शूट करने नहीं देंगे, लेकिन बाहर बाहर का मैं पहले दिखा रहा हूँ। तो देखिए, तो हम लोग अभी ऊपर जा रहे हैं मंदिर में। ये मंदिर ही है, बहुत बड़ा मंदिर है। और इधर में देखिए पहला दर्शन, और इधर में गुफा की तरफ जाने वाला रास्ता है, लेकिन हम लोग पहले दर्शन करके आते हैं। तो उर्मिला अभी दर्शन कर रही है, पहले अच्छे में उर्मिला आ रही है। उर्मिला देखिए दर्शन कर रही है, बहुत मस्त। दिख रहे हो अष्ट धातु से मूर्ति बनाया गया है, बहुत बड़ी है, लेकिन भीड़ बहुत ज़्यादा है, इसके लिए नहीं दिख रहे हैं। मैं दिखाता हूँ, दिखाने के लिए कोशिश कर रहा हूँ दोस्तों। तो आप लोग देखिए, आप लोग भी वीडियो द्वारा दर्शन कर सकते हैं आप लोग दोस्तों। ये सतगुरु धाम है और महादेव की मूर्ति है। आप लोग कितना बड़ा है मंदिर देख सकते हो आप लोग, बहुत बड़ा मंदिर है। इतनी जगह नीचे में दी गई है दोस्तों। और ये देखिए, दोस्तों हमारा दर्शन यहाँ पे हो गया है। हम लोग अभी जा रहे हैं गुफा की ओर दोस्तों, तो चलिए वीडियो में बने रहिए। यहाँ से लिखा है गुफा की तरफ, तो हम लोग यहाँ से इधर जाएंगे दोस्तों। फिर चलते हैं इधर, इधर गुफा है दोस्तों, तो आप लोग वीडियो में बने रहिए। तो दोस्तों देखिए, ये यहाँ पे जो यज्ञ करते हैं, तो ये यज्ञ हॉल है। और ये वो साइड में जाएंगे तो अच्छे से दिखेगा दोस्तों। और ये देखिए शेर की गुफा है, राकेश जी खड़ा हो गया है यहाँ पे। ये गुफा में सब माता बैठी हुई है, शैलापुरी माँ है दोस्तों। धीरे धीरे देख रहे, राकेश जी दिखा रहा है इधर में आगे में। और ये वैष्णवी माता है ना, ये वैष्णवी माता की गुफा है दोस्तों। और राकेश जी दर्शन कर रहा है, क्योंकि राकेश जी बहुत कब से शूट कर रहा था, इसके लिए अभी मैं शूट कर रही हूँ। और बहुत बढ़िया यहाँ का नज़ारा है, ये देखिए। कितना अच्छे से पूजा कर रहा है।
हेलो दोस्तों, तो फाइनली हम लोग देखिए ऊपर में शिवलिंग का पूजा कर रहे हैं, दाते की पूजा कर रहा है और लोग पीछे पीछे आ रहे हैं दर्शन कर रहे हैं, मतलब मिलके कर रहे हैं। और देखिए कितना अच्छा है। और नमः शिवाय। शिवलिंग कितना अच्छा लग रहा है। जय भोलेनाथ। तो दोस्तों आप लोग देखिए वहाँ पे सब धामों का शिवलिंग यहाँ पे है दोस्तों, तो हम लोग वहाँ से दर्शन कर सकते हैं। तो आप लोग देखिए। और दोस्तों ये देखिए केदारनाथ, हम लोग दोस्तों केदारनाथ तो हम लोग नहीं जा सकते हैं, लेकिन हम लोग दिल से वहाँ से दर्शन कर सकते हैं। और ये बर्फ़ का दोस्तों शिवलिंग है, आप लोग देखिए वैसा ही शिवलिंग केदारनाथ में है। तो हम लोगों ने वहाँ से दर्शन दिल से कर लिया है और सब लोग दर्शन करते आ रहे हैं, पहले गुफा में जाने का फिर ऊपर आने का। और शिवलिंग देखिए ऊपर सब है, और देखिए महादेव का मूर्ति कैसा बनाया गया है। तो आप लोग देखिए बहुत बड़ा है महादेव का है। और देखिए उर्मिला यहाँ पे दर्शन करने गई, वो देखिए ये गुफा है और गुफा के बगल में महादेव का मूर्ति बनाया गया है, आप लोग देखिए। तो चलो आप लोग वीडियो में बने रहिए, तो हम लोग अभी जा रहे हैं दूसरी गुफा की ओर। दोस्तों आप लोग देखिए जलाराम बाबा है, पहले ही दूसरी गुफा का और पहले चरण में आता है जलाराम बाबा का मूर्ति। तो अभी उर्मिला कर रहे हैं, अभी उर्मिला चल रही है ऊपर में पहले चढ़ने का, गुफा नीचे में है लेकिन हम लोग पहले ऊपर में दर्शन करके आते हैं। तो दोस्तों देखिए ये बजरंगबली संकट मोचन हनुमान जी है यहाँ पे विराजमान दोस्तों। तो अभी उर्मिला दर्शन कर रही है, देख सकते हो आप लोग इधर में हनुमान चालीसा दिया गया है, कोई कोई लोग पूरा पढ़ के ही जाते हैं। उर्मिला मन हो मन से कुछ मांग रही होगी। देखिए दोस्तों ये सिंदूरी वैभव, सिंदूर वैभव का नाथ, आप लोग देखिए। तो चलो दोस्तों हम लोग अभी गुफा में जा रहे हैं, अभी नीचे हम लोग आ गए। ऐसा है गुफा में अंदर, तो हम लोग दर्शन करते करते निकलते जा रहे हैं। और जो कोई है ये देखिए इधर में दीवार में लिख के अक्सर लिख के गए हैं, कोई अक्सर लिख के गए, कोई नाम लिख के गए हैं, क्या मालूम इसकी वजह तो क्या होगी वो तो नहीं पता है, लेकिन देखिए अच्छा लग रहा है डिजाइन जैसा और दर्शन करने के लिए भीड़ भी आती जाती रहती है। और यही है शनिदेव, शनिदेव के ऊपर तेल और अड़त चढ़ाया जाता है, देख सकते हो। हम लोग तो फूल ही लाए हैं तो फूल ही चढ़ा देंगे, देख सकते हो आप लोग। हम लोगों को शनिदेव तो जाना नहीं पड़ा, हम लोग यहाँ से ही दर्शन कर लिया। यहाँ पे विट्ठल भगवान और रुक्ष्मणी है, आप लोग देखिए वहाँ पे माता विराजमान है शीतला माता और संतोषी माता। तो अभी लास्ट में उर्मिला दर्शन कर रहे हैं और फूल भी चढ़ा दिया, क्योंकि अंदर हम लोग जा नहीं सकते, वहाँ पे से ही दर्शन कर लेते हैं। तो देख सकते हो ये नीचे हॉल है, और ये हॉल दोस्तों ये सत्संग हॉल है, इसी के ऊपर में मंदिर बनाया गया है दोस्तों। तो वो हॉल दोस्तों देख से बहुत बड़ा है दोस्तों। हमारा फाइनली दर्शन हो गया है मस्त, और जो हमने मनोमन मन्नत मांग ली है। तो दोस्तों वीडियो में बने रहिए, और ये बाहर का लोकेशन है, तो मैं बाहर का लोकेशन थोड़ा बहुत दिखाऊंगा कि इस यहाँ पे क्या क्या है। हाँ तो हेलो दोस्तों, वहाँ पे स्कूल है, एक से कॉलेज तक की स्कूल भी है यहाँ पे, और ये कैंटीन है देखिए, वहाँ पे हॉस्टल भी है। और तो, हाँ
हम लोग अभी दर्शन करके बाहर अभी निकलते हैं। तो हम लोग अभी बाहर का लोकेशन हम लोग दिखाते हैं, बाहर में क्या क्या चीज़ मिलती है दोस्तों, तो हम लोग बने रहिए। बढ़िया है नज़ारा यहाँ का। तो हम लोग अभी जा रहे हैं और देखिए ये अरविंद भाई बैंगन बेच रहा है और ककड़ी है, करेला है, मिर्ची है, बहुत अच्छा है। ये अरविंद भाई है, देखिए देखिए दोस्तों दुकान में खिलौना लगा दिया है बेचने के लिए, बहुत मस्त है। तो ये महेश भाई का दुकान है और ये घर है, ये महेश भाई है। और उर्मिला की फैन मिल गई, इसके लिए बात करने गई है उर्मिला, और हमारे गांव के ही है। श्रावण के मास में दोस्तों बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है, इसके लिए आप लोग भी देखिए बहुत दूर दूर से दर्शन करने के लिए आते हैं लोग। और महाशिवरात्रि का मेला भी यहाँ पे लग सकता है और बहुत ज़्यादा भीड़ होती है दोस्तों, और आप लोग भी आइए दर्शन करने के लिए दोस्तों। बहुत बड़ी है शिवलिंग, अष्ट धातु से बनाई गई है, तो आप लोग भी जरूर आइए और दर्शन करके जाइए। बहुत ये वल्लभ भाई है और ये वल्लभ भाई की दुकान है, बहुत बढ़िया है दुकान, और अंदर में घर है, घर के साथ में ये दुकान कितनी सारी लगाई गई है। और इधर में हमारे गाँव से आते हैं चाय पीने के लिए, और बहुत बढ़िया वल्लभ भाई बहुत बढ़िया बनाता है चाय, और आप लोग भी इसका टेस्ट लेने के लिए जरूर आइए, बहुत बढ़िया बनाता है। और देखिए कोल्ड ड्रिंक्स भी मिलेगा, चाय भी मिलेगा, नाश्ता भी मिलेगा। और इस साल धंधा कैसा चल रहा है? चलता चलता है। अच्छा चलता है, धीरे धीरे बढ़ेगा, धीरे धीरे बढ़ेगा, और भीड़ होती रहती है ना? होती रहती है। लड़का दुकान, और लड़का के लिए भी दूसरा दुकान लगा दिया है, रमकड़े वाला, रमकड़े वाला। दोस्तों हम लोग आ गए हैं वसंत भाई की दुकान पे दोस्तों, दुकान भाई अभी वसंत भाई दे रहा है सब्जी, और हम लोग लेके जा रहे हैं सब्जी दोस्तों घर पे खा रहे हैं। ये क्या पापड़ी है वो ले रहे हैं? ये मेरे लिए भिंडी लेना। तो ये वसंत भाई का दुकान है, देख सकते हो आप लोग वहाँ पे ही मस्त मस्त इधर में कोल्ड ड्रिंक भी मिलती है देखिए दोस्तों। और वसंत भाई का लड़का है इधर में, और ये हमारे गांव के है। तो हम लोग अभी यहाँ से सब्जी लेके चलेंगे घर की ओर। तो अभी वसंत भाई दे रहा है दोस्तों, देखिए कितनी सारी फोर व्हीकल है, ट्रैवल्स है दोस्तों, कितनी सारी भीड़ होती है श्रावण मास में दर्शन करने के लिए, लोग आते हैं दूर दूर से। तो हम लोग फिलहाल अभी घर की ओर निकले हैं और जा रहे हैं, और उर्मिला ने क्या क्या ले लिया है, सब्जी ले लिया है, निकुंज के लिए फ्रूटी लिया है, और ये मम्मी के लिए भजिया लिया है, पकौड़े हैं। हाँ। तो दोस्तों फाइनली हम लोगों की पूजा भी हो गई और हम लोगों ने अच्छे से दर्शन भी कर लिया, और क्या है अच्छी बात, तो हम लोगों को सब्जी भी बहुत अच्छी ताज़ी ताज़ी सब्जी मिली, तो सब्जी भी ले ली। वो सब्जी का थोड़ा दिक्कत रहता है ना, सूखा वाला मतलब ऐसे ही सूखी सब्जी तो घर पे मिल जाती है, लेकिन जो कच्ची वाली सब्जी वो नहीं मिलती, इसके लिए ले ली हूँ। तो दोस्तों हम लोग फाइनली आ गए घर पे, और ये देखिए कैसा डाल दिया सब्जी ये खटिया पे, देख सकते हो आप लोग। ये अभी लाई है उर्मिला के लिए, इसके पेट में जस्ट थोड़ा गड़बड़ है ना, इसके लिए जीरा लेके आई, और ये निकुंज के लिए थम्स अप रोटी दोस्तों।